मैं कैमरा पर इतने टाइम बाद बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत डर सा लग रहा है आज. लिटरली आई एम स्कैर्ड. और everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kritika Sharma. I am back on YouTube once again. If you guys don't know me, hi, my name is Kritika Sharma and I upload my videos every Sunday. I upload my dance videos, makeup videos, I upload my fashion videos, I upload my vlogs on this channel. But pichle 6 mahine se I have not uploaded a thing on this channel and I have some reasons that I'm going to share with you all today. Yeah, without further ado, let's get into the video. So, as you guys know, मैंने 6 महीने से videos upload नहीं किए and मुझे बहुत लोग पूछ भी रहे थे, मतलब मेरे known, मेरे friends especially मुझे message कर रहे थे कि क्या हुआ ऐसा, तूने videos क्यों नहीं upload की. And even मेरे ना parents के friends, उनके बच्चे, they were even asking कि why are you not uploading any video. So I have some reasons and I wanted to share it with you. And अब एक बिल्कुल perfect time था YouTube पर वापस आने का, because I was missing YouTube and I was missing you all and I was missing uploading my videos. And अगर आपने notice नहीं किया है, you can see my background. हमने काफ़ी सारे changes किए हैं room में and मुझे अपना setup चाहिए था. So मैंने पापा को बोला कि मैं videos फिर से बनाना शुरू करूँगी, तो उससे पहले I need the setup. So this is the setup. मैं आपको properly दिखाऊँगी maybe in my next video. But today we are just going to talk about some things और मैं आपसे बिल्कुल share करना चाहती हूँ. So yeah, मैं कैमरा पर इतने टाइम बाद बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत डर सा लग रहा है आज. लिटरली आई एम स्कैर्ड. और मैं वीडियो बनाने से पहले भी बहुत डरी हुई थी. बट या सो द वेरी फर्स्ट रीजन फॉर मी नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो वॉज एग्जाम्स. आई अपलोडेड माई लास्ट वीडियो इन मार्च और उससे तितलियाँ वर्गा, और उससे पहले मैंने शायद लास्ट जनवरी में अपलोड की थी, जनवरी या फेब, जनवरी एंड. एंड उसमें विवेंटो ने लाया और मैंने उसमें बोला था कि आई एम टेकिंग 1 month ब्रेक बिकॉज मुझे एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी थी और मैंने कभी एग्जाम्स दिए भी नहीं थे इन कॉलेज, तो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई वाज स्केर्ड. सो मैंने सोचा कि आई शुड प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स एंड अभी यूट्यूब को 1 month का ब्रेक दे देती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल बी बैक ऑन यूट्यूब. एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. सो मैंने मंथ का ब्रेक ले लिया एंड ना हमारी डेट शीट आई ना कुछ. सो मार्च आ गया. आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि आई शुड स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस नाउ. जब एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी तो मैं फिर से बंद कर दूंगी कुछ टाइम तक, जब तक एग्ज़ाम्स होंगे, एंड देन फिर से रिज्यूम कर लूँगी आफ्टर एग्ज़ाम्स. फिर से वो चीज़ें शुरू होगी कि यू नो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स हैं, ये है वो है. तो मैंने सोचा कि अब मुझे सच में ब्रेक चाहिए. अब बोल रहे हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम्स हैं तो मतलब है, मुझे लगा, क्योंकि बिल्कुल फाइनलाइज हो गया था कि अप्रैल में एग्ज़ाम्स हैं और डेट शीट भी बोल दिया था कि आने वाली है. तो आई वॉज लाइक ठीक है, अब डेट शीट आने वाली है तो आई शुड प्रिपेयर. एंड उसके बाद एग्जाम्स के बाद मैं अपनी वीडियोज डालना फिर से शुरू कर दूंगी. आफ्टर दैट मैं प्रेपरेशन मैंने शुरू कर दी एंड आई इवन स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. सो हम जिम जाते थे, वी यूज टू गो टू द जिम. और जिम ना हमारे घर से काफ़ी दूर था. हम यहाँ से अराउंड 5 to 6 minutes वॉक, आफ्टर दैट 10 minutes बस में, एंड आफ्टर दैट अगेन 5 to 6 minutes वॉक. और फिर वहाँ जिम में जाके 1-1.5 hours हम एक्सरसाइज करते थे, हम कार्डियो करते थे, हम इतना कुछ करते थे. सो इस चीज़ ने ना मुझे मेरी बहन को काफ़ी स्ट्रेस में डाल दिया था, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स की भी टेंशन हो गई थी एंड मुझे इस चीज़ की भी बहुत टेंशन हो जाती थी कि यू नो इतनी दूर जाना है, जिम जाना है, वहाँ पे एक्सरसाइज करनी है. बिकॉज मुझे ना बहुत वैसा हो गया था कि आई नीड अ परफेक्ट आवरग्लास बॉडी एंड मुझे पतला होना है. एंड आफ्टर माय बर्थडे 2-3 दिन बाद कोविड सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी, सो हमें जिम छोड़ना पड़ा.
और जब हमने जिम छोड़ा उसके ही एक दो दिन बाद मैं और मेरी मम्मा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। मई में भी एग्जाम्स नहीं हुए तो मई में हम सब गांव चले गए। बाहर इतनी गर्मी होती थी और आई एम नॉट यूज टू लाइक वेरी हॉट वेदर एंड ना ही मेरी फैमिली। हम बहुत बुरी तरह फिर से बीमार पड़ गए। मैं अप्रैल में भी बीमार पड़ी, मैं मई में भी बीमार पड़ी। गाइस बाहर बारिश हो रही है तो जस्ट इग्नोर दैट एंड आई एम सो सॉरी, क्योंकि वैसे तो मौसम अच्छा था सुबह पर अब ख़राब हो गया है एंड इस बार मानसून ही नहीं जा रही है। फिर हम जब वापस आए उसके बाद हमें 10 to 15 days और लग गए ठीक होने में। सो आई यूज टू प्रिपेयर माई डांसेज एंड साथ ही साथ मैं वर्कआउट भी करती थी। सो ऑन 7th of July अनाउंसमेंट हो गई बिल्कुल कन्फर्म्ड कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विल नॉट हैव देयर एग्जाम्स एंड वी वर सो रिलीव्ड और हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए ड्यू टू कोविड। सो सब खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। सो मैं थी कि चलो अब सब ठीक है। और शाम को मैं फिर से मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं वहीं पे वर्कआउट करती थी एंड आई यूज टू प्रिपेयर माय डांसेस एज वेल। सो मैं ना अपना वर्कआउट करने लग गई, मैंने वार्म अप किया एंड आफ्टर दैट मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया। सो वर्कआउट शुरू हुए अभी एक ही मिनट हुआ था एंड आई वॉज डूइंग लंजेस एंड मुझे मेजर नी इंजरी हो गई। माय नी डिसलोकेटेड, माय लेफ्ट नी डिसलोकेटेड, दिस वन माय लेफ्ट नी डिसलोकेटेड एंड आई वॉज इन शॉक। एंड व्हेन माय नी डिसलोकेटेड मैं रूम में जब थी मैंने रूम की कुंडी लगा दी थी बिकॉज मेरी बहन की ना मीटिंग चली हुई थी ऑफिस की। सो वो अपने रूम में बैठी थी और मैंने उसका दरवाज़ा भी फेर दिया था और मैं इधर कमरे में आ गई थी और मैंने अपने लॉक कर दिया था खुद को ताकि उसे भी आवाज़ ना पहुंचे और मैं भी आराम से अपना वर्कआउट कर सकूं। सो जब मैं गिरी आई स्टार्टेड शाउटिंग, आई वाज शाउटिंग लाइक मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ये मेरे साथ पहले भी हुआ है। माय राइट नी डिसलोकेटेड व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, जब मैं 15 साल की हुई थी ऑन माय बर्थडे, ऑन माय 15th बर्थडे। एंड आफ्टर 6 इयर्स माय लेफ्ट नी डिसलोकेटेड। सो मैं चीखे मारने लगी और मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी बिकॉज इट वॉज सो पेनफुल, बहुत दर्द हुई एंड बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हुई। बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी मैं, बहुत बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी एंड मेरी पूरी आवाज़ पूरे पड़ोस में बस फैल गई थी एंड मेरे काफ़ी नेबर्स आ गए थे एंड कुछ लोग जिनको मुझसे प्रॉब्लम है वो आए नहीं। एंड इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर और आप मुझे काफ़ी लाइक करते हैं तो प्लीज़ डू कीप इन माइंड कि वेन पीपल आर इन प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हेल्प देम, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे वो आपका दोस्त हो, हमेशा उनकी हेल्प करना। दिस हैपेंड एंड आई वॉज इन शॉक क्योंकि मेरे साथ सेकेंड टाइम ही हो गया था और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। आई एम अ डांसर, आई वॉन्टेड टू अपलोड माई वीडियोज़, मुझे YouTube से प्यार है एंड आई लाइक अपलोडिंग माई वीडियोज़ ऑन YouTube, ऑन Instagram। मेरे साथ ही क्या हो गया, आई वॉज देयर सिटिंग डाउन इन पेन, आई वॉज क्राइंग। एंड आफ्टर दैट मेरी बहन ने पापा को फ़ोन किया, मम्मा को फ़ोन किया एंड हमारे ही फैमिली फ्रेंड है वो डॉक्टर है, उन्होंने ही पिछली बारी जब 2015 में मेरा नी डिसलोकेट हुआ था उन्होंने ही उसे वापस लोकेट किया था। सो उन्हें बुलाया एंड ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू हिज होम। सो ही केम एंड वो मेरा नी वापस लोकेट करने लगे एंड ही वेंट लाइक 1, 2, 3, 4 उन्होंने ऐसे किया फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट एंड वो 1 मिनट इट फेल्ट लाइक हेल बिकॉज इट वॉज सो बैड। मैं आपको इतनी डिटेल में बता रही हूँ बट या उस वक्त मुझे यही फील हो रहा था। एंड आफ्टर दैट कुछ देर बाद उन्होंने मुझे प्लास्टर चढ़ा दिया एंड आई वॉज ऑन बेड फॉर 3 वीक्स, आई वॉज ऑन पेन किलर्स फॉर 3 वीक्स। मैं अच्छे से चल नहीं पाई ऑलमोस्ट 1 month, 1.5 month एंड अभी तक मुझे मेरी नी में काफ़ी पेन है। अभी तक मैं ढंग से नहीं स्टेयर्स उतर पाती हूँ एंड डांस तो दूर की बात है, अभी काफ़ी टाइम तक आई विल नॉट बी एबल टू डांस। एंड जब ये सब कुछ हुआ एंड मैं फाइनली अब चल पा रही हूँ तो मेरी लोअर बैक में काफ़ी पेन हो गई है बिकॉज़ मैं बेड पर काफ़ी टाइम तक थी। लाइक मुझे
प्लास्टर चढ़ा था नीचे, मतलब पैर से लेकर, पैर से ऊपर अपने थाई तक. सो माई लेग वॉज स्ट्रेट. सो वॉकिंग में वैसी प्रॉब्लम आती थी, तो उस वक्त तो मैं इतना चल नहीं पाई. एंड जब प्लास्टर खुला तो उसके बाद भी मैं नहीं चल पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रही थी. और बट फिर भी आई ट्राइड एंड अब मैं ढंग से वॉक कर पाती हूँ. बट मुझे स्टेयर्स चढ़ने उतरने में अभी तक प्रॉब्लम आती है. एंड दैट्स इट. और अब सब कुछ अच्छा है एंड आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज़ अगेन एंड आई विल अपलोड माई वीडियोज़ एवरी संडे अगेन. बट डांस का कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा. यू वॉच व्लॉग्स, फैशन वीडियोज एंड मेकअप वीडियोज, बट डांस कुछ टाइम तक मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगी. सो या प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई लव यू ऑल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे. थैंक यू. बाय.